तो आज है हमारा थर्ड डे ऑफ हॉपिंग। आज मैं लाई हूँ मयूख को अपने साथ में। आई होप मैं पंडाल देख पाऊँ। तो हमारा फर्स्ट पंडाल है जोधपुर पार्क। सबको हाय बाबू, सबको हाय बोलो। हाय हाय। अब हम कहाँ जा रहे हैं बाबू, बता दो जरा सबको, बता दो कहाँ जा रहे हैं। और आज हमारा कौन सा दिन है? थर्ड डे। और आज हमारे साथ कौन आया है? मयूख भी आया है पंडाल देखने, है ना। ভাড়া করে নিয়ে এসছে, সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। अब हम जा रहे हैं 95 कोटी। थर्ड पंडाल सलीमपुर पोली। डेस्टिनेशन त्रिधारा पार्क। त्रिधारा, उसके बाद में यहाँ पे और कौन कौन से? हिंदुस्तान पार्क, हिंदुस्तान पार्क और देशों पार्क। त्रिधारा का थीम आई थिंक पेड़ पौधों को लेकर ही था। उनका मिक्स थीम होता है एज पर माई थिंकिंग। ये टोटली मेरी थिंकिंग है, और क्योंकि मैंने पिछले साल भी त्रिधारा देखा था तो इसीलिए मैंने बताया यही चीज़। सेम थीम ही लगता है मुझे एज यूजुअल। बट हाँ, मूर्ति बहुत अच्छी थी माता की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मूर्ति और जो बुल्स साइड में रखे हुए थे, दर्पण साइड में दूसरे साइड पे रखा हुआ था, अच्छा लग रहा। ये त्रिधारा के पास ही हाजर बल्लक संघ करके एक पंडाल था, जो कि बहुत क्यूट सा बना था। पेड़ बचाओ मतलब ट्री सेफ के ऊपर था, बहुत सुंदर, अच्छा लगा मुझे। और इनकी जो माता है वो भी बिल्कुल नेचर से रिलेटेड था, बहुत सुंदर लग रहा था। ब्लू थीम बहुत जच रहा था, जस्ट लाइक 95 फुल्ली। मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्लू थीम जचा रहा था। अब हम आ गए हैं हिंदुस्तान पार्क। इनका थीम अर्थ से रिलेटेड था आई गेस, समझ नहीं आया मुझे, पर हाँ। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। अब आ गई हिंदुस्तान पार्क क्लब की बारी, जो कि लाइटिंग के लिए ही फेमस था। और इनका रिक्शा थीम कंसेप्ट था, जो पंडाल था वो रिक्शा थीम के ऊपर बेस्ड था। पुराने रिक्शा लगा रखे थे, नए रिक्शा लगा रखे थे,
बहुत ही इनोवेटिव सा थीम था और माता भी बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे थीम बहुत ही यूनिक लगा और हिंदुस्तान पार्क क्लब वॉज वर्थ टू विजिट। उसके बाद हम आ गए थे एकडालिया, एकडालिया से शिंगी पार्क। शिंगी पार्क का भी जो ऑब्वियसली जो मूर्ति होती है वो बेस्ट होती है और वो बेस्ट ही थी। थीम नॉर्मल था लेकिन जो दुर्गा माता थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हमारे घर का पंडाल। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।